नमस्कार, मैं डॉक्टर मुखर्जी हूँ। मैं बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ। आज मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले कुछ हफ्तों में हमारे डायलिसिस मरीज और उनके रिश्तेदार अपने इलाज को लेके काफ़ी चिंतित हैं, खासकर कि कोविड इन्फेक्शन और लॉकडाउन की वजह से। मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि उनको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हर अस्पताल में डायलिसिस ट्रीटमेंट जारी है और आगे भी चल के ये ट्रीटमेंट बरकरार रहेगी। हम मरीजों को एक एसेंशियल ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसके आधार पे वो लॉकडाउन के टाइम पे भी आराम से अपने घर से अस्पताल तक आना जाना कर सकते हैं। इस इन्फेक्शन के दौरान उनको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे हैंड वॉशिंग, मुंह पे मास्क लगा के रखना, भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना इस्तेमाल करना। वो अपने गाड़ी में आए अस्पताल तक, फटाफट अपना डायलिसिस करवाए और डायलिसिस के बाद सीधा घर चले जाएं। वो हॉस्पिटल के वेटिंग एरियाज और कॉमन एरियाज में ज़्यादा टाइम ना बिताएं। अगर किसी मरीज को खांसी, बुखार, सांस में दिक्कत ऐसे इत्यादि होता है तो वो अपने डॉक्टर को, नर्स को या टेक्नीशियन को बताएं, ताकि उनका जांच जल्द से जल्द हो सके और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो भी उनको मिल जाए। अगर खुदा ना खास्ता किसी मरीज को कोविड इन्फेक्शन हो भी गया, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अस्पतालों में ऐसे मरीजों का इलाज का प्रबंध पूरी तरह किया गया है। आइसोलेशन के कमरे तैयार हैं और आइसोलेशन कमरों में भी डायलिसिस किया जा सकता है। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।